हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SB गेमिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाला होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेल सकते हो। ठीक है, एक फ्रेंड हो या दो फ्रेंड हो या फिर पूरी स्क्वाड हो, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ कैसे खेल सकते हो। तो दोस्तों, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है पेट्रोल पंप को कैसे फोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब पेट्रोल पंप के अंदर जो यहाँ पर फ्यूल टैंक रहता है, आप लोग उसको कैसे ब्लास्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो है पेट्रोल पंप की छत के ऊपर कैसे जा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको ऐसे गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर काफी लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम का नाम क्या है, तो दोस्तों आप लोग नाम से नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए मैंने लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से लिंक पे जाके फॉलो कर लो। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि आप लोग जो इस फ्यूल टैंक को कैसे फोड़ सकते हो। दोस्तों, इसको ब्लास्ट करने के लिए आपको सिंपली से इसके ऊपर जो है स्टिकी बम्प लगा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको वैसे लगा देना है। आप लोग जितना चाहो उतना स्टिकी बम्प लगा सकते हो, क्योंकि स्टिकी बम्प यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको सिंपली से मोबाइल ओपन करना है, उसके बाद ट्रेन के कंट्रोल्स में जाके स्टिकी बम्प पे यहाँ पर जाके यहाँ पर आप लोगों को एक्टिव कर लेना है। ठीक है, एक्टिव कर लेने के बाद आप लोग सिंपली से देख पाओगे कि स्टिकी बम जो है फोड़ चुका है और यहाँ पर पेट्रोल टैंक जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका है। एक और तरीके से आप लोग इसको ब्लास्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर जो है पेट्रोल टैंक के ऊपर आप लोगों को सिंपली से यहाँ पर फायरिंग करते रहना है। ठीक है, फायरिंग करते करते आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर इसके ऊपर आग लग जाएगा, और आग लगते ही यहाँ पर ये जो है ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग भी स्टिक को यूज करके अपने जो पेट्रोल टैंक है उसको यहाँ पर ब्लास्ट कर सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है पेट्रोल पंप के ऊपर कैसे जा सकते हो। ठीक है, मतलब पेट्रोल पंप के जो छत है उसके ऊपर कैसे जा सकते हो। तो दोस्तों, सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को 12-15 टाइप कर लेना है। 12-15 टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सुपर जंप एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सुपर जंप एक्टिवेट होने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को जो है जंप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को जंप कर देना है, और जंप करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर पेट्रोल पंप के जो छत है उसके ऊपर चला जाओगे। दोस्तों, इसी ट्रिक को यूज करके आप लोग जो है अपने पेट्रोल पंप के छत के ऊपर जा सकते हो। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि आप लोग अपने गेम को मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे गेम के अंदर जो न्यू अपडेट आया है उसके अंदर हमें मल्टीप्लेयर ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आने वाली अपडेट के अंदर हमारे गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन को ऐड कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने गेम को मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को इस वीडियो के नीचे बहुत सारा कमेंट कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिमांड करते हो सकता है कि आने वाली अपडेट के अंदर हमारे गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन को ऐड कर दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।